Hello everyone, my name is Dushan Chaudhary. I'm back again and this time I won't bore you up. This is something very interesting. This is something people at their best 30s should know about, and that is known as testosterone. Now, testosterone is something which is known as male hormone but is also produced in females. In males, testosterone is produced in testes, and in females it is produced in ovaries. Now, one of the main benefits of testosterone can be building quality of muscles, quality of life, and there can be many other serious benefits, I should say. Now, when it comes to testosterone is actually divided into three categories. One is known as loosely bound, freely bound, tightly bound. All of these three sections, tightly bound, freely bound, loosely bound, are actually binded up with SHBG, sex hormone binding globulin. 2/3 part of your testosterone in your blood is binded up with SHBG in tightly bound. When it comes to loosely bound, about 1/3 part of your testosterone in your blood is loosely binded up. Agar uska ek bond bhi toot jata hai, then it separates from its bond. Freely bound, about 1% to 4% is freely binding up. Wo freely ghumta rehta hai blood mein. This is the summary. Now, there can be many serious health issues also. जब आपके एक लिमिट से ज़्यादा हाई हो जाता है आपका टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में ये बहुत सीरियस कंडीशन बन जाती है फर्टिलिटी को लेके, क्योंकि ये लीड करता है पीसीओएस के लिए, पॉलीसाइटिक सिंड्रोम. आज की डेट में बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ केसेस हैं. इवन आई हैव 4 to 5 क्लाइंट्स वो आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस. रिजल्ट्स आर गुड, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, बट दिस इज समथिंग विच यू शुड बी नोइंग अबाउट कि ये ऐसा होता क्यों है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द पीपल जिनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन हो गया है, द मेन रीजन कैन बी लो लेवल्स ऑफ विटामिन डी, लो लेवल्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम, क्वालिटी ऑफ स्लीप. आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत बेकार है, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है काम को लेकर, वर्कआउट प्रोग्राम आपका अच्छा नहीं है. और वर्कआउट प्रोग्राम अच्छा नहीं है ये भी रीज़न हो सकता है, आप ओवर वर्कआउट कर रहे हैं, एक लिमिट से ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, ये भी रीज़न हो सकता है आपके टेस्टोस्टेरोन डाउन होने का. Now, जब when people enter their 30s, their best 30s, they get married, they have kids, they start actually focusing less on themselves. एक life की एक अपनी अपनी responsibilities आ जाती हैं. But what exactly is कि आप जब अपने 30s में होते हो ना, every year from 0.4% to 1.6% you start decreasing your testosterone levels. इसीलिए पर ईयर आपके आप आफ्टर द एज ऑफ 30 अपना मसल मास भी लूज करते चले जाते हैं, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे आने लग जाता है. दिस इज द रीजन. नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस टेस्टोस्टेरोन, व्हाट यू कैन डू इज फॉर नाउ, लाइक पीपल जनरली आस्क मेरा टेस्टोस्टेरोन लो है, व्हाट शुड आई डू. यू कैन डू नथिंग अबाउट और यू कैन डू एवरीथिंग अबाउट, दोनों ऑप्शन है. नाउ एवरीथिंग अबाउट में यू कैन यूज सप्लीमेंट्स लाइक विच आर नेचुरल सप्लीमेंट्स ऑब्वियसली, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, अश्वगंधा. नाउ पीपल समटाइम्स आस्क इज क्रिएटिन हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग आर टेस्टोस्टेरोन. सी क्रिएटिन हैज़ वेरी लेस एविडेंस अवेलेबल टू दिस, और आई वुड से क्रिएटिन हैज़ वेरी लेस साइंटिफिक स्टडीज ऑन दिस. दिस इज द रीजन दैट वाई आई डोंट यूजली रिकमेंड क्रिएटिन, बट विटामिन डी, जिंक एंड मैग्नीशियम आर द थ्री थिंग्स विच आई जनरली रिकमेंड टू द पीपल. And that should be included in your diet, because when you start having less exposure to sunlight, आपका sunlight से exposure ही नहीं है, आप बाहर 9-10 बजे निकलते हैं, hands covered हैं, हाथ covered हैं, आप रात को 8 बजे घुस रहे हैं office से, business से, work से, घर में हैं, तो exposure to sunlight obviously zero हो गया. और जब exposure to sunlight आपका बिल्कुल zero हो गया, तो testosterone levels वो धीरे धीरे decrease होना start कर ही देते हैं. This is the reason. Now when it comes to that, how exactly this can lead to quality of sleep. Quality of sleep, जितनी कम आपकी sleep होगी उतना कम, उतना ज़्यादा आपके brain पे ज़्यादा effect पड़ेगा. मतलब obviously your brain would feel suffocated, क्योंकि नींद नहीं मिल रही है proper, चिड़े चिड़े रहते हैं. This can be the reason. Now something which is known as the benefits of testosterone, or you can now people जिनका testosterone लेवल्स जो हैं बहुत नीचे आ जाते हैं, सडन वेट गेन होना, मसल लॉस हो जाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ ना रहना. यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग वेल व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ आई एम मीनिंग हियर. लिबिडो लेवल्स बिल्कुल जीरो हो जाना,
तो ये सब चीज़ें आपकी उसके साथ फिर कंटिन्यू हो जाती हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग सफोकेटेड फॉर दिस। और अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी एज 30 हो गई है तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। एक्चुअली देर इज़ वन साइंटिफिक स्टडी डन बाय अ फ्रेंचमैन एंटोनियो एटेल। द साइंटिफिक स्टडी सेज कि इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड कि ये एज की वजह से हो रहा है या फिर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 30s वी स्टार्ट ईटिंग क्रैप, फूड पे बहुत कम ध्यान हो जाता है, वर्कआउट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ जाती हैं कि अब नाउ दिस इज समथिंग कि सीरियस कि वेदर दिस इज द रीज़न और एज इज द रीज़न। मैनी थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस, हम अभी बेस लाइन तक रखते हैं चीज़ें, ये दोनों ही चीज़ें हो सकते हैं। तो वॉट यू कैन डू बेस्ट इज ट्राई टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ट्राई टू ईट गुड न्यूट्रिशियस फूड, ट्राई टू ऐड दीज सप्लीमेंट्स विच आई रिकमेंडेड टू यू, ट्राई टू एटलीस्ट वर्कआउट 4 to 5 times a week, डोंट डू मच वर्कआउट, कीप योर थिंग्स वेरी लिमिटेड, कीप योर सेट्स वेरी लिमिटेड, डिवाइड योर वॉल्यूम इक्वली, आस्क योर पर्सनल ट्रेनर और योर ट्रेनर इन द जिम इफ ही नोज अबाउट हाउ टू डिवाइड वॉल्यूम, दैट इज समथिंग वट यू कैन डू फ्रीक्वेंटली जस्ट फॉर नाउ। स्टार्ट एन्जॉइंग योर लाइफ, स्टार्ट फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ योर फूड, क्वालिटी ऑफ योर स्ट्रेंथ, क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग इन दिस विल लीड टू अ बेटर एंड अ वेरी फंक्शनल लाइफ। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपने पक्का कुछ तो आपने देखा ही होगा या सीखा ही होगा, और जो लोग शुरू में ही चले गए थे आई फील रियली सॉरी फॉर देम। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।